बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं ने सियासत को खैर बात कहा था और ब्रेक लेने का ऐलान किया था, वो एक हफ्ते के अंदर ही दोबारा मुतहरिक हो गए हैं और शाह महमूद कुरैशी से अड्याला जेल में चौधरी फवाद की और इमरान इस्माइल की और मौलवी महमूद की मुलाकात हुई है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इमरान खान की वापसी की राहवार की जा रही है या माइनस इमरान खान करके एक ऐसी जमात खड़ी करने की कोशिश की जा रही है जैसे माजी में नून लीग में से काफ लीग निकाली गई थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पेट्रियाट निकाली गई या एमक्यूएम लंदन से एमक्यूएम पाकिस्तान निकाली गई, तो उस तर्ज के ऊपर माइनस इमरान खान किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो नून लीग है उसके रवैयों में दिन ब दिन बहुत तलखी आती जा रही है। वज़ीर दिफा का बयान हो, पार्लियामेंट में खिताब हो, उनके वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों या पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास हो जिसमें अलल एलान जजों के खिलाफ जो है एक महाज खड़ा किया जा रहा है और कहा रहा है कि जो जज उनकी मर्जी के फैसले नहीं कर रहे उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे, ये ऐलान किए जा रहे हैं। और फिर सबसे अहम मामला जो है कि लाहौर हाई कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने दोनों निगरान हुकूमतों के ऊपर बिजली गिरा दी है और इस वक्त निगरान हुकूमतें भी और वफाक के अंदर वफाकी हुकूमत और उनके सहूलतकार भी सकते में दिखाई देते हैं और उनको अब ये राह नहीं दिखाई दे रही कि किस तरह से सियासी मुखालफीन को अब किस कानून के शिकंजे में ला के उनको मजीद रगड़ा दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा अहम फैसला दिया है और जो जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कैदी हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बारे में जो 3 MPO के तहत जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी, पेशावर हाई कोर्ट ने MPO को जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कानून है उसको कलदम करार दिया और कहा है कि ये बिल्कुल वैसे ही फैसला दिया जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने चंद दिन पहले एक फैसला दिया था कि जिसमें ये कहा गया था कि बगावत के मुकदमा जो हैं कि ये ग़ुलामी के दौर का कानून है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है तो ऐसे कानून जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है तो इसलिए उनको ख़त्म किया जाता है। तो सिमिलरली पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि MPO के तहत जितनी भी गिरफ्तारियाँ हैं वो गैर कानूनी गैर आइनी है और ये कानून भी गैर आइनी है तो इसलिए सूबे भर में जितने भी MPO के तहत गिरफ्तार रहनुमा कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए। इस तनाजर के अंदर जिसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, अब देखते हैं कि हुकूमत कौन सा रास्ता नया रास्ता इख्तियार करती है। लेकिन जो सियासी माहौल है उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। जैसे हमने पहले कहा, सियासी माहौल में जैसे जैसे तब्दीली आ रही है उसी तरह से हुकूमती रवैये के अंदर सख्ती और तलखी आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। ऑडियो लीक कमीशन के हवाले से जो 5 रुकनी बेंच था उसकी आज समाअत थी। वफाकी हुकूमत ने, फेडरेशन ने, अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा तहरीरी तौर के ऊपर इस बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया। दूसरी तरफ से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी तहरीरी तौर के ऊपर कमीशन की जानब से जो है कि इस बेंच के ऊपर एतराज़ किया और आज ये मामला जो है कि नेक्स्ट वीक तक जो है कि इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई। लेकिन इसी के साथ साथ जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अगरचे जजेस के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जाती लेकिन जो अदालती तहकीकती कमीशन हुकूमत ने कायम किया था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में, जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें शामिल हैं, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद 27 तारीख को जो अपना इजलास बुलाया और फिर उस इजलास के दौरान जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सियासी रिमार्क्स दिए और वह हेडलाइंस बनी, उसके तनाजुर में तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है और कहा गया है जी कि इन कमीशन के अरकान ने वो इजलास बुलाकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच के जो फैसले की खिलाफ वर्जी की और फिर वहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा ने जो बयान दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको करार दिया गया इस पटिशन के अंदर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तमाम की तमाम अदलिया को बदनाम करने के मुतरादिफ है। इसलिए इन 3 अरकान के खिलाफ बतौर रुकन कमीशन जो है वो तोहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जवाबी कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे स्पीकर नेशनल असम्बली ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई है जो जजेस के कंडक्ट के हवाले से और जो जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके हवाले से लायामल तय करेगी। इस कमेटी के चेयरमैन मोहसिन शाह नवाज़ रांझा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, बैरिस्टर हैं,
उनको मुतफ़िका तौर के ऊपर मुंतखब किया गया। और आज के इजलास के अंदर भी बड़ी धुआंधार किस्म की मोहसिन शाह नवाज़ रांझा ने वहाँ गुफ्तगू की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और इसमें जो लबे लबाब है वो यही है कि हुकूमत जो है कि उन जजेस के ख़िलाफ़ जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं दे रहे, और इमरान ख़ान की अभी तक जो है कि ना गिरफ़्तारी हुई है, ना उसको सज़ा हुई है, ना उसकी जमात पर पाबंदी लगी है, तो ऐसे जजेस के ख़िलाफ़ जो उनके मुताबिक उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रहे, उनके उनके मिसकंडक्ट और उनके ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस फाइल किए जाएंगे। और ये भी कहा गया जी कि फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे जो दहशतगर्दों और शरपसंदों की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो ऐसे ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि किसी तरह से इमरान खान की जमात और उनके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जा सके। तो ये तलखी बता रही है कि शायद उन नून लीग के हाथ से चीज़ें सिरक रही हैं, लेकिन इमरान खान काफ़ी मुतमिन दिखाई देते हैं। और आज जो चौधरी फवाद की और इमरान इस्माइल की और इसके साथ साथ जो महमूद मौलवी हैं, ये डाला जल गए शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, डेफिनेटली इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो असल हुकूमत है, ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने फैसिलिटेट किया है, कोई पैगाम पहुँचवाया है शाह महमूद कुरैशी को। ये एक तवील मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद फवाद चौधरी और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसके अंदर फवाद चौधरी ने कहा 9 मई के वाक़ात के हवाले से उन्होंने आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया, कहा कि बेगुनाह कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उनकी रिहाई के लिए हम किरदार अदा करेंगे, मुल्क में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। और ये कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी के मरहूने मिन्नत इस मुल्क को उनके रहम कर पर नहीं छोड़ा जा सकता। इससे ये तासुर ये दिया गया कि जैसे वो अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रीएक्टिवेट कर रहे हैं और कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस अंदाज़ के अंदर ये लोग जो हैं कि जिनकी लाहौर हाई कोर्ट से 72 अटकाने कौमी असम्बली के रुकनियत बहाल हुई थी, ये स्पीकर नेशनल असम्बली को ख़त लेके नेशनल असम्बली में आएंगे और फिर यहाँ पे अपना किरदार अदा करेंगे एज ए पोजिशन का, और फिर हुकूमत से मुज़ाकरात और इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए किरदार अदा किया जाएगा। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये -1 करने की कोशिश की जा रही है कि इनको एक्टिवेट किया जाएगा, दूसरी तरफ से इमरान खान को सज़ाएं दी जाएंगी और फिर शाह महमूद कुरैशी और ये लोग मिलकर जो है कि पार्टी को आगे लेके चलेंगे। फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने असद उमर से असद कैसर का नाम लिया, उन्होंने हमाद अजहर का नाम लिया, फारूक हबीब का नाम लिया कि उनसे भी रबते हुए हैं, परवेज खटक का नाम लिया उन्होंने कि अभी मुशावरत चल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैन कुरैशी की जानब से ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के बारे में अगर ये तासर है कि वो माइनस इमरान खान आगे चलेंगे, वो पहले भी इमरान खान के साथ थे, अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे। हमाद अजहर ने भी इसी किस्म का इजहार किया और उन्होंने कहा कि दोस्त मशवरे ज़रूर करते हैं, लेकिन आखिरी हल जो है वो इमरान खान ही हैं। असद कैसर ने कहा कि फवाद चौधरी का उनसे कोई रबता नहीं हुआ, फारूक हबीब ने भी कहा इसी किस्म के ख्याल का इजहार किया, और मुनस इलाही ने भी उनके बारे में भी खबरें चल रही कि परवेज इलाही की, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो है हार जीत की बात बाद में होगी, लेकिन अभी जो है वफा की बात होगी और अभी इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इन सब सूरत हाल के अंदर जो तर्जमान है PTI के रऊफ हसन, उन्होंने काफ़ी सख्त एक बयान जारी किया है और उसमें फवाद चौधरी और इन एलिमेंट्स को खाया कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए अब जिल्लत है, और जो मुज़ाकरात अगर होंगे तो मुज़ाकरात उसी कमेटी के थ्रू होंगे जो इमरान खान ने जो कमेटी मुकर्रर की और 7 नाम दिए हैं, इसके अलावा जो भी कोई ऐसी बात करता है उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, बहुत सारी मल्टीपल जो इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जहांगीर तरीन ने खुफिया दौरा किया इस्लामाबाद का, बहुत कुछ लोगों से मिले हैं, फिर वापस लाहौर चले गए हैं। जरदारी साहब दुबई से वापस पाकिस्तान बराह रास्त डायरेक्ट लाहौर पहुंचे हैं, वो अपनी कोशिशें भी कर रहे हैं। तो ये बहुत सी हैपनिंग हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो है कि जो सिचुएशन है बड़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। वक्त बहुत कम है, बजट पेश होना है, बजट के लिए फाइनेंसिस है नहीं है, IMF कहता है कि सियासी मामला को आइन के तहत हल करेंगे तो पैसे मिलेंगे, दोस्त मालिक भी कहते हैं कि आप सियासी मामला को आइन के तहत हल करें, सियासी इस्तेहकाम पैदा करें तो आपको पैसे मिलेंगे, बजट के लिए वक्त कम है और उससे पहले बहुत से सियासी मामलों को हल किया जाना है। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, 3-4 पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, लेट सी देखते हैं कि अदालतें कितना सस्टेन करती हैं इस हुकूमती मुज़ामत और जबर की इस हुकूमत के सामने, और ताकतवर हलके क्या किरदार अदा करते हैं, और PTI इसके अंदर क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।